चलिए, तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो क्लास किए हैं जिसमें कि हम लोग चार्ज टॉपिक को कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, जैसा कि अगर कोई दो पॉइंट साइज चार्ज की बात की जाए तो कूलम्स लॉ में दो पॉइंट साइज चार्ज हम लोग लेते हैं, एक Q1 और एक Q2, और इन दोनों पॉइंट साइज चार्ज के बीच की दूरी है स्मॉल r। तो कूलम्स लॉ में यह बताया गया है कि जो सेम नेचर के चार्ज होंगे, सेम नेचर के चार्ज होंगे या अपोजिट नेचर के अगर चार्ज होंगे तो सेम नेचर में रिपल्सन होता है और अपोजिट नेचर में क्या होता है, अट्रैक्शन। यानी दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो निगेटिव चार्ज हो तो उनके बीच रिपल्सन होगा, और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो यानी अपोजिट नेचर हो तो क्या होगा, अट्रैक्शन। तो सपोज हम यहां पर Q1 और Q2 को सेम नेचर का चार्ज मान लिए, यानी दोनों या इधर पॉजिटिव या दोनों इधर निगेटिव, तो उनके बीच क्या होने वाला है, रिपल्सन होने वाला है। तो यानी इस पर एफ फोर्स इधर लगा और इस पर एफ फोर्स इधर लगा, दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉस है। अगर Q2 वाला चार्ज Q1 वाले चार्ज पर एफ फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन्स थर्ड लॉस है, Q1 वाला भी चार्ज Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा, एफ फोर्स ही लगाएगा, और दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होगी क्योंकि दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, जैसा हमको यहां देखने के लिए भी मिल रहा है। और इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कूलम्ब साहब ने बताया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का, जो प्रोडक्ट आएगा Q1 Q2 उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के बीच के दूरी के स्क्वायर का। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके इक्वलिटी का साइन लाने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए, और वो कांस्टेंट के रूप में क्या लिख रहे हैं, के। तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो चीज प्रोपोर्शनल था वो ऊपर आ गया, जो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वो नीचे आ गया। ये के जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में जो यहां आया है, ये के का वैल्यू, इसके जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारा कूलम्स लॉ में, ये 1/4πε0 के बराबर होता है, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। और आप इस के का यूनिट भी बता सकते हैं, के का यूनिट कैसे बता सकते हैं, तो ये न्यूटन, और आर स्क्वायर इधर चलाया तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दोनों चार्ज नीचे चलाया तो कूलम स्क्वायर, तो के का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कूलम्स लॉ में आया है के, उसका वैल्यू होता है 1/4πε0, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसमें एक टर्म है एप्साइलेंट नॉट, ये एप्साइलेंट नॉट क्या है, इस एप्साइलेंट नॉट को हम लोग परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कर रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम।
ये जो फॉर्मूला अभी कूलम्स लॉ का जो हमने लिखा है, अगर हम के का वैल्यू डाल दें यहां पर, के का वैल्यू जो ये है, ये वैल्यू अगर यहां पुट कर दे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/4 πε0 q1 q2 upon r2। तो अगर इस एप्साइलन नॉट का मतलब समझे तो एप्साइलन नॉट का नाम पहले क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्योंकि अभी दोनों चार्ज को, अभी दोनों चार्ज के बीच के मीडियम को हम क्या मान रहे हैं, वैक्यूम मान रहे हैं। अभी दोनों चार्ज के बीच का मीडियम क्या है, वैक्यूम। इसीलिए यहां पर हमने किसका इस्तेमाल किया है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर यहां कोई मीडियम आ जाएगा तो यहां पे एप्साइलन नॉट की जगह पे एप्साइलन एन आ जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये सारे चीजें हम समझ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वर्ड को समझिए, ये वर्ड जिसको हिंदी में विद्युतशीलता कहते हैं, इस वर्ड का हिंदी में नाम क्या है, विद्युतशीलता। ये परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, तो परमिटिविटी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू गेट पोलराइज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी बाहरी चुंबक, किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र पे अगर कोई मीडियम, कोई माध्यम ध्रुवीकरण करने की जो उसकी क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या लिखे हैं जी, द एबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू गेट पोलराइज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी मीडियम के एबिलिटी को दर्शाता है ये परमिटिविटी, कि वो किस हद तक पोलराइज यानी ध्रुवीकरण हो सकता है उसका। पोलराइजेशन आप पढ़ेंगे आगे क्लासेस में इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, लेकिन मैं अभी आपको परमिटिविटी का मतलब समझा रहा हूं। परमिटिविटी किसी भी माध्यम के एबिलिटी को दर्शाता है कि वो किस हद तक बाहरी विद्युत क्षेत्र में अपने आप को पोलराइज कर सके, और पोलराइज क्या होता है ये आप आने वाले क्लासेस में समझेंगे। तो ये परमिटिविटी का हो गया। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, 8.85 × 10⁻¹2। और जो के का हम यूनिट लिखे हैं, जो हम के का यूनिट लिखे हैं, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि देख लो ये के बराबर ये है, तो जो के का यूनिट आएगा और जो एप्सिलॉन नॉट का आएगा वो ठीक उल्टा होगा, तो कितना हो जाएगा इसका, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी को कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर एक जगह लिखें और मीटर अलग जगह लिखें, इस कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर को फराड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फराड मीटर। तो एक बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपका एक यहां बन गया कि आपसे पूछा जाए कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो जरूरी नहीं है कि आपको यह मात्रक दे ऑप्शन में, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, अगर वहां ऑप्शन में क्या होगा, फराड पर मीटर, फराड पर मीटर। और सुन लो, अभी तुम किसका जिक्र कर रहे हो, एप्सिलॉन नॉट का। जब मैग्नेटिज्म हम पढ़ाएंगे तो वहां पर तुम एक चीज का जिक्र करोगे, म्यू नॉट का। इसका जिक्र करोगे कौन चैप्टर में, मैग्नेटिज्म। और इस म्यू नॉट का मतलब होता है परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ये जिस तरह से तुम इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्स लॉ में परमिटिविटी पढ़ रहे हो, उसी तरह से मैग्नेटिज्म चैप्टर में तुम परमियाबिलिटी पढ़ोगे, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू नॉट से। और इसका यूनिट होता है हेनरी पर मीटर। मतलब मैं इसलिए यहां पर इसको बतला रहा हूं
कि आप देख लो कि एप्सिलॉन नॉट का और म्यू नॉट का यूनिट थोड़ा मिलता जुलता है कि नहीं है। एप्सिलॉन नॉट का क्या है? फराड पर मीटर, और उसका म्यू नॉट का हेनरी पर मीटर। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन यूनिट तुमको लग रहा है याद रखने के लिए? ये कि ये फराड पर मीटर। तो याद रखना कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है? फराड पर मीटर। और इस चीज को तो लिखने की जरूरत नहीं है, यह मैग्नेटिक में पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम बात करें आगे कि कूलम्स लॉ तो हम पढ़ रहे हैं, कूलम्स लॉ में क्या क्या एजम्पशन है। एजम्पशन, एजम्पशन का मतलब कंडीशन जो लगाया गया है कि ये कंडीशन लागू होगा तभी आप कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी ये कूलम्स लॉ सही सही काम करेगा। तो पहला कंडीशन है आपका कि चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। आप जब कूलम्स लॉ लगा रहे हैं दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं, तो उस समय आपके दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए? गतिशील होने चाहिए कि रेस्ट होने चाहिए? रेस्ट पे होने चाहिए, तब जाकर आप कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ में आप एक आर का वैल्यू लेते हैं, तो आर का वैल्यू एक फिक्स होना ना चाहिए। अगर दोनों चार्ज गतिशील रहेगा तो क्या आप आर का वैल्यू ले पाएंगे? कुछ, वो तो आर हमेशा चेंज होते रहे, इसलिए कूलम्स लॉ वहां नहीं लागू हो पाता है। तो कूलम्स लॉ लागू करने के लिए चार्जेस कैसे होने चाहिए? रेस्ट होने चाहिए। दूसरा अजम्पशन, क्या आप कूलम्स लॉ जहां मन करेगा वहां लगा दीजिएगा? मान लीजिए कि अगर ऐसा केस रहे कि एक रिंग है, ये सब मिसकंसेप्शन होते हैं बच्चों में, एक रिंग है, आइए मान लीजिए कि एक डिस्क है, इसके पास चार्ज Q1 और इसके पास चार्ज Q2 है और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी R है, तो क्या यहां कूलम्स लॉ लगा दीजिएगा आप? मेरा बात समझिए, ये रिंग है, ये क्या है? रिंग, और ये क्या है? डिस्क। तो यहां पर आप ये मान लो प्लस प्लस चार्ज है तो रिपल्सन होगा ही, तो क्या आप यहां पे ये कूलम्स लॉ लगा देंगे? नहीं, कूलम्स लॉ जो फॉर्मूला है K Q1 Q2/R², वो सिर्फ कब लागू होता है? जब दोनों बॉडी किस आकार के हो, पॉइंट साइज। अगर दोनों बॉडी एक स्फेयर है और एक मान लीजिए रिंग है, तो क्या वहां कूलम्स लॉ लग जाएगा? नहीं। क्या कंडीशन होना चाहिए? कि दोनों बॉडी, बोथ बॉडीज शुड बी पॉइंट साइज। अब ये पॉइंट साइज का मतलब समझना बेहद जरूरी है। यहां पे ये रिंग है, डिस्क है, यहां पे आप कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते, कूलम्स लॉ यहां नहीं लगेगा। यहां पर कब कूलम्स लॉ लगता है? कि जब दोनों बॉडीज कैसा हो, पॉइंट साइज हो। पॉइंट साइज का मतलब समझिए, यहां पर पॉइंट साइज का मतलब बच्चे ये समझ लेते हैं कि वैसा बॉडी जिसका आकार पॉइंट जैसा हो। नहीं, आप पॉइंट साइज का मीनिंग यहां करेक्टली नहीं समझ रहे। पॉइंट साइज का मीनिंग यह होता है एक स्फेयर भी हो सकता है और वही स्फेयर पॉइंट साइज बॉडी भी माना जा सकता है। पॉइंट साइज, जैसे आपको एक मैं एग्जांपल बताऊं, अभी मैं आपको एक ह्यूमन बींग दिख रहा हूं, लेकिन अगर आप बहुत ऊपर से मुझे देखोगे तो मैं क्या दिखूंगा? एक पॉइंट दिखूंगा। तो कोई पॉइंट साइज बॉडी बोलने का मतलब यह होता है कि उन दोनों बॉडी का जो साइज है, दो जो जिनके पास चार्जेस है, जिनके पास जिनपे आप लगा रहे हैं कूलम्स लॉ, जो दोनों चार्जेस वाले बॉडी है उनकी साइज जो होनी चाहिए वो उनके बीच की दूरी जो आर है उसके तुलना में बहुत छोटी होनी चाहिए, तब वो आपका वो जो बॉडी है, वो चार्ज बॉडी जो है, उसे हम पॉइंट साइज बॉडी कह सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट है। अगर आपका मान लीजिए दो स्फेयर भी है और दो स्फेयर के बीच की दूरी
आर जो है वो काफी ज्यादा है, तो उस परिस्थिति में हम उन दोनों स्फेयर को पॉइंट साइज बॉडी मान सकते हैं और वहां कूलम्स लॉ लागू हो सकता है। लेकिन अगर वही दो स्फेयर काफी नजदीक आ गए और उनके बीच की दूरी जो आर है वो आर उन दोनों बॉडी की साइज के सामने बहुत बड़ा नहीं है, तो वो दोनों बॉडी पॉइंट साइज माना नहीं जाएगा और उस परिस्थिति में वहां पे आप कूलम्स लॉ लागू नहीं कर सकते। तो यहां पर ये आपका दूसरा एजम्पशन हो गया, पहला कि चार्जेस शुड बी एड्रेस्ड, दूसरा बोथ बॉडी शुड बी पॉइंट साइज, और तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा एजम्पशन कि दोनों बोथ पॉइंट साइज चार्ज्ड बॉडी, बोथ पॉइंट साइज चार्ज्ड बॉडी शुड बी एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 10^-15 मीटर। कहने का मतलब यह है कि जो दोनों पॉइंट साइज चार्ज बॉडी है, जो मान लो ये Q1 है और ये क्या है Q2, इनके बीच की जो दूरी है R, ये दूरी R कम से कम 10^-15 मीटर से, यानी जो फर्मिकल आता है उससे बड़ा होना चाहिए, अन्यथा यहां पर आपका अगर 10^-15 मीटर से अगर दूरी कम हो जाए दो चार्ज बॉडी के बीच में, तो वहां पर आप एक नया फोर्स का वहां पे काउंट हो जाता है। जब भी दो किसी बॉडी के बीच, जब भी किसी दो बॉडी के बीच 10^-15 मीटर से दूरी कम हो जाए, यानी एक फर्मी से दूरी कम हो जाए, तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। अब यहां सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यदि दोनों बॉडी के बीच, दोनों चार्ज बॉडी के बीच अगर 10^-15 मीटर से दूरी कम हो जाएगा तो वहां पे कौन फोर्स डोमिनेट कर जाएगा? न्यूक्लियर फोर्स विल डोमिनेट, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है इस नेचर का। हमारे ब्रह्मांड में चार बेसिक फोर्स हैं, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बिग फोर्स। इन चारों में सबसे ताकतवर किसे माना गया है? न्यूक्लियर फोर्स को। और जब न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है तो वो बाकी जितने फोर्सेस हैं वहां उन सब पे वो क्या करता है? डोमिनेट करता है, यानी उसका बात चलेगा वहां पर। अब इससे बहुत ही अच्छे चीज का हम लॉजिक बता सकते हैं। जैसे कभी आपके मन में सवाल आता होगा कि सर एक परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, यानी जिसे हम अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन सब एक साथ, न्यूट्रॉन भी होता है इसके अंदर, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन सब एक साथ ढेर सारे प्रोटॉन सब एक साथ मौजूद होते हैं छोटे से न्यूक्लियस के अंदर। तो कभी मन में सवाल आता है कि सर ये प्रोटॉन जो है सब पॉजिटिवली चार्ज है, सब कैसे कैसे हैं, प्रोटॉन कैसे चार्ज होते हैं पॉजिटिवली? तो पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट होना चाहिए कि रिपेल होना चाहिए? रिपेल होना चाहिए, तो सब एक दूसरे से दूर भागना चाहिए ना। लेकिन एक छोटे से न्यूक्लियस में कैसे वो बंधे हुए? अगर एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन एक साथ मौजूद है, जबकि सारे प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, सब पॉजिटिव एक दूसरे पॉजिटिव से क्या फील कर रहा होगा? रिपल्सन फील कर रहा होगा। तब तो उनको न्यूक्लियस से एक दूसरे से दूर भाग जाना चाहिए, तब वो एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर एक इकट्ठा कैसे बैठे हो? तो वहां पर क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, 10^-15 मीटर। न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 10^-15 मीटर। तो
स्वाभाविक सी बात है कि जब नाभिक की रेडियस ही 10^-15 मीटर है तो इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, इसके अंदर, मान लो यही दोनों प्रोटॉन्स की बात करें, तो जो दूरी होगा वो 10^-15 मीटर से छोटा होगा कि नहीं होगा। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, उन प्रोटॉन्स के बीच की दूरी 10^-15 मीटर से ज्यादा हुआ कि कम हुआ? कम हुआ, क्योंकि नाभिक की त्रिज्या ही 10^-15 मीटर। तो उस हिसाब से वहां पर कौन सा फोर्स एक्टिव हो जाएगा? न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स एक्टिव, यहां न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, लेकिन ताकतवर कौन है? न्यूक्लियर फोर्स। तो किसका बात चलेगा? न्यूक्लियर फोर्स का बात चलेगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं लगेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्बिक फोर्स, दो प्रोटॉन के बीच दोनों जो प्लस प्लस चार्ज है उनके बीच कूलम्बिक फोर्स कैसा होना चाहिए? रिपल्सन का, बोलिए तो रिपल्सन होगा ना, कूलम्बिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन का लगेगा, लेकिन वहां डोमिनेट कौन कर जाएगा? न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? अट्रैक्टिव। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज किस नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। यानी दोनों प्रोटॉन के बीच कूलम्बिक फोर्स भी लग रहा है। कूलम्बिक फोर्स क्या है? दोनों को रिपेल करना चाह रहा है। और न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा है। और न्यूक्लियर फोर्स किस नेचर का होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव। यानी न्यूक्लियर फोर्स उन दोनों को एक साथ रखना चाह रहा है और कूलम्बिक फोर्स उन दोनों को अलग अलग करना चाह रहा है। तो कौन ताकतवर है? न्यूक्लियर फोर्स। तो किसका बात चलेगा? न्यूक्लियर फोर्स का। और प्रोटॉन सब अलग अलग हो जाएंगे कि एक साथ रहेंगे? एक साथ रहेंगे। यही कारण है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन सब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी रिपल्सन नहीं फील करते हैं और अट्रैक्शन के साथ एक न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठा एक साथ रहते हैं, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्बिक फोर्स पर भारी पड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका एजम्पशन। अब हम लोग कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो अपने थ्योरी को और आगे बढ़ाएं। तो अभी तक हमने अभी कूलम्स लॉ को, यहां पर कूलम्स लॉ क्या होता है, उसमें के का क्या मतलब है, एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब है, और क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या एजम्पशन होना चाहिए कि कूलम्स लॉ लागू हो जाए, तो ये सब बातों की अभी चर्चा हो रही थी। अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ रहा है कि कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये कई बार सवाल के रूप में इससे पूछा जाता है बच्चों से, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ कैसे लिखते हैं? यहां पे देखिए, जैसे इसको हम यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, मान लो कि कोई दो पॉइंट साइज चार्ज है, ये Q1 और ये Q2। इस Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर है और इस Q2 पॉइंट साइज चार्ज का, जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। और R2 और R1 का जो है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R21 वेक्टर कहेंगे इसको। अब देखा जाए, अगर ये Q1 और Q2, सेम नेचर के चार्ज अगर हम मान लिए, सेम नेचर का अगर चार्ज हम मानते हैं इस Q1 और Q2 को, तो रिपल्सन होगा, मतलब इस पर इधर फोर्स लगेगा और इस पर इधर फोर्स लगेगा। इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? कि ये फोर्स किस पे लगा है? वन पे लगा है, किसके द्वारा? टू के द्वारा। और इस फोर्स का क्या नाम देंगे? कि ये फोर्स किस पे लगा है? टू पे लगा है, किसके द्वारा? वन के द्वारा। तो कूलम्स लॉ को अभी हम लोग जस्ट पढ़े, कूलम्स लॉ लिखिए, यानी इस फोर्स का फोर्स कितना होगा, ये एफ वन टू के बारे में हम सपोज लिख रहे हैं, एफ वन टू।
वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या कि हम कूलम्स लॉ को वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं। तो लिखते हैं क्या हम लोग पढ़े कूलम्स लॉ में भी जस्ट कि जो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, यही ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला था कि Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी का स्क्वायर होगा। तो यहां दूरी क्या है, दूरी जो है इस वेक्टर के एरो के लेंथ के बराबर है। ये Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के बीच की दूरी, ये एरो R21 जो एरो है बाबू, R21 जो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका जो लेंथ होगा वही ना इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी होगी। और किसी वेक्टर का एरो का लेंथ क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वही उस वेक्टर के एरो का क्या होता है, लंबाई होता है। तो इस वेक्टर का हमको एरो का लेंथ चाहिए, क्योंकि इसका एरो का लेंथ ही दोनों चार्ज के बीच का दूरी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। और इसके एरो का लेंथ क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, मॉड से, यस और नो? तो यानी ये दूरी कितना होगा, तो इसके लेंथ के बराबर, इस एरो के लेंथ के बराबर, और इसके एरो का लेंथ किसके बराबर हुआ, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मॉड, यानी क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, यस और नो? नेक्स्ट, अगर हमको यहां पर हम लिख रहे हैं ये फोर्स के ऊपर हम क्या साइन दिए हुए, वेक्टर का साइन दिए हुए, तो वेक्टर का जब हम साइन दिए हुए हैं तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो आप ये जो अभी तक बताए इतना, ये आप इस फोर्स का क्या बताए, मैग्नीट्यूड बताए बस, अभी तक बस आप क्या बताए, मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आप ऊपर वेक्टर का साइन दिए हुए हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लगाना होगा कि नहीं होगा, यस और नो? तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करिएगा, कभी भी डायरेक्शन शो करने के लिए एक यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, यूनिट वेक्टर का। तो इसका क्या डायरेक्शन होगा बाबू, इसका क्या डायरेक्शन होगा, आप जैसे मेरी बात समझ लीजिए, अभी आप कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं, F12। अगर हम F12 की जगह सपोज F21 ही निकालते हैं, कौन सा फोर्स निकालते हैं, F21 ही निकालते हैं। तो ये फोर्स या ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही ना होगा, मैग्नीट्यूड मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं, मॉड से, यानी इसका मॉड और इसका मॉड दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जी अब ये बताओ कि सपोज हम यही फोर्स निकाल रहे हैं, यही फोर्स निकाल रहे हैं, तो ये तो कूलम्स लॉ तो हम पढ़ रखे हैं ना, यहां से तो लिख दिया के Q1 Q2 और जो तुम ये दूरी का स्क्वायर लोगे तो अभी तो बस समझाए जस्ट कि ये दूरी कितना है, तो इस एरो के लंबाई के बराबर है। और एरो का लंबाई क्या होता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो ये कौन सा वेक्टर है, तो R21 वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड, उसके मॉड का स्क्वायर ले लिया। लेकिन अभी तक इस फोर्स का तुम सिर्फ क्या लिखे हो, मैग्नीट्यूड। अब एक चीज तुम्हारा, कभी भी तुम वेक्टर का साइन दे रहे हो तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ तुमको क्या दर्शाना होता है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन बदलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का। किसका, यूनिट वेक्टर का। तो जरा गौर से देखो, इस F21 फोर्स का, इस किस फोर्स का छोटू, F21 फोर्स का वही डायरेक्शन है, इस F21 फोर्स का वही डायरेक्शन है जो इस R21 वेक्टर का डायरेक्शन है, नहीं है, बोला जाए ये F21 जो फोर्स यहां लग रहा है Q2 चार्ज पर, F21 का मतलब हुआ कि 2 पर जो फोर्स लगा 1 के द्वारा, ये फोर्स का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है जो कि ये है, जो R21 वेक्टर का डायरेक्शन है। तो अगर आपको इसका डायरेक्शन यहां पर लिखना है तो कभी भी डायरेक्शन लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो हम जान रहे हैं कि इसका वही डायरेक्शन है जो इसका डायरेक्शन है R21 वेक्टर का,
द R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर हम यहां लिख दें तो ये डायरेक्शन शो हो जाए। जैसे आपको एक एग्जांपल में बता दूं, कहीं आप फोर्स लिखे हुए हैं 10 और आगे एक यूनिट वेक्टर I लगा दिए, तो I यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन को शो करता है? X। अगर I की जगह तुम क्या लगा दोगे? J। तो यानी इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया? Y की तरफ। तो क्या देख रहे हो तुम? एक यूनिट वेक्टर लगाकर डायरेक्शन शो करते हो कि नहीं करते हो? तो यहां तुमको डायरेक्शन क्या शो करना है? F21 का। F21 का डायरेक्शन यह शो करना है कि इसका वही डायरेक्शन है जो R21 का डायरेक्शन है। यस और नो? तो R21 का डायरेक्शन कैसे शो करोगे? तो यहां बस क्या करना है, R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लो। यूनिट वेक्टर का क्या सिंबल होता है? कैप। और तुम ये फॉर्मूला वेक्टर में पढ़े होगे कि एक कैप कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, मान लीजिए वेक्टर ए है, उसका यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर आप भाग लगा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? उस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। यानी इस आर टू वन कैप के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? इस फॉर्मूला के तहत यहां क्या चेंज कर सकते हो? F21 वेक्टर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर का मॉड स्क्वायर R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर का मॉड हो गया। अब यहां पे स्क्वायर और ये मिलकर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F21 वेक्टर K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का क्यूब, यहां पर R21 वेक्टर। तो ये रिजल्ट जो है ये कौन सा लॉ को दर्शा रहा है? कूलम्स लॉ को ही दर्शा रहा है, लेकिन किस फॉर्म में? वेक्टर। यस और नो? अब यहां पर परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं इस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको सवाल दे दिया जाए कि अमोंग दीज विच इक्वेशन रिप्रेजेंट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कौन सा इक्वेशन है जो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में बतला रहा है? पहला K Q1 Q2 आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर आर कैप, बी ऑप्शन K Q1 Q2 आर वेक्टर के मॉड का क्यूब आर वेक्टर, सी बोथ ए एंड बी, डी कांट से। तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से, कि कई आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिलेंगे कि कौन सा इक्वेशन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को दर्शा रहा है। तो आप बताएंगे भी ये सही है कि गलत है? सही है। अभी आप देखें, जस्ट अभी ये इस स्टेप तक है कि नहीं है? देखो मिलाकर, अरे R21 तो वो आर ही मान रहा है, R21 नहीं लिख रहा, आर ही लिख रहा, तो सही है ना? देखो मिला K Q1 Q2 आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और आर का यूनिट कैप। बी देखो तो K Q1 Q2 आर वेक्टर और आर वेक्टर के मॉड का क्यूब, तो देखो तो वो भी सही है कि नहीं है? इसको इसका फॉर्मूला बैठा दोगे तो यही चीज आ जाता है कि नहीं आ जाता है? यानी इस तरह से भी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है और इस तरह से भी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है। तो दोनों लिखने का तरीका क्या है? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का सही तरीका है। तो ए ऑप्शन भी सही हो गया और बी ऑप्शन भी। तो हमारा कौन सा जवाब हो जाएगा? बोथ ए एंड, ठीक है? तो ये आपका था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत? तो अभी जो हम लोग कूलम्स लॉ स्टडी किए उसमें जितने भी पॉइंट्स थे हमने उन्हें वन बाय वन करके समझा था। अब कुछ क्वेश्चंस
अब कुछ क्वेश्चंस हम इस पे करेंगे, कूलम्स लॉ पे अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पहला सवाल है कि इफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाई इज इंसर्टेड बिटवीन टू चार्जेस एक्सपीरियंसिंग 100 न्यूटन ऑफ कूलम्बिक फोर्स बिफोर इंसर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मीडियम, फाइंड द न्यू कूलम्बिक फोर्स। यानी मैं इस क्वेश्चन को समझा दूं आपको कि यदि मान लो कि कोई दो चार्ज था Q1 और Q2, कोई दो चार्ज था Q1 और Q2, उनपे जब वो लोग वैक्यूम में थे, जब वो दोनों चार्ज कहां थे, वैक्यूम में, तो उन पर कितना कूलम्बिक फोर्स लग रहा था, 100 न्यूटन लग रहा था। अब क्या किया जा रहा है, उन दोनों चार्ज के बीचों बीच क्या इंसर्ट किया जा रहा है, क्या डाल दिया जा रहा है, एक मीडियम डाल दिया जा रहा है। उस मीडियम को हम पूरा नाम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। उस मीडियम का पूरा नाम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। और वो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जो डाला जा रहा है उसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 यहां बताया जा रहा है। तो ये मीडियम अगर यहां पर वैक्यूम का जगह ले लेगा जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो उनके बीच लगने वाला जो 100 न्यूटन का कूलम्बिक फोर्स था वो कितना हो जाएगा, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट और एक मतलब एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये पोटेंशियल इस क्वेश्चन में पूछने। मैं बेसिक से चलता हूं कि यदि कोई Q1 और Q2 चार्ज रहता है और उनके बीच की दूरी R होती है और बीच में जब मीडियम वैक्यूम रहता है तो ये जो कूलम्बिक फोर्स F लगता था जिसका भी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे 1/4 pi epsilon not Q1 Q2 by R square, अभी जस्ट लिखे थे। और इस epsilon not का मतलब क्या बताए थे, ये epsilon not क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। लेकिन यदि इस Q1 और Q2 चार्ज के बीच दूरी सेम रखें और वही Q1 और यही Q2 चार्ज है, खाली यहां पर अब वैक्यूम की जगह पे क्या आ गया, मीडियम आ गया, तो अब क्या जो लगने वाला फोर्स है वो पहले के जितना ही फोर्स होगा, कि उस फोर्स में कुछ चेंज आया होगा, मीडियम आ जाने से क्या फोर्स में चेंज आया होगा कि नहीं आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो आपका फोर्स को हम क्या मान रहे हैं, एफ डैश। और अब एफ डैश का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, Q1 Q2 तो रहेगा ही, R स्क्वायर रहेगा ही, 1/4 pi, यहां एप्साइलन नॉट था ना, एप्साइलन नॉट का मीनिंग क्या था, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्योंकि यहां बीच में वैक्यूम है। लेकिन अब यहां पे हम एप्साइलन नॉट नहीं लेंगे, क्या लेंगे, एप्साइलन m, एप्साइलन m। और इस एप्साइलन m का मतलब क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी माध्यम का विद्युतशीलता, क्योंकि यह वैक्यूम था तो वैक्यूम का विद्युतशीलता ले रहे थे फॉर्मूला में, अब जब माध्यम आ गया है तो माध्यम का विद्युतशीलता लेंगे। तो इस माध्यम के विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम और निर्वात का यानी वैक्यूम का जो विद्युतशीलता है यानी जिसे एप्सिलॉन नॉट करते हैं, इसके अनुपात क्यों ही, इसके अनुपात को हम किसे भी नोट कर रहे हैं, एप्साइलन आर से, एप्साइलन। और इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको क्या नाम देते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसके रेशियो को हम लोग एप्साइलन एम बटा एप्साइलन नॉट के रेशियो को क्या कहते हैं, एप्साइलन आर, जिसे हम लोग क्या नाम करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हिंदी में पैरा वैद्युतांक कहा जाता है, पैरा वैद्युतांक।
और यहां पर अब एक काम कर सकते हो, देखो तो इस एपडेस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 pi, ध्यान से देखना एप्साइलन एम है ना यहां, तो एप्साइलन एम के जगह पे एप्साइलन आर इंटू ई नॉट लिख सकते हैं, बोलो इस रिजल्ट से एप्साइलन एम के जगह पे एप्साइलन आर इंटू एप्साइलन नॉट लिखा जा सकता है कि नहीं, तो वही करते हैं, एप्साइलन एम की जगह पे क्या लिख दिए, एप्साइलन आर एप्साइलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां से एप्साइलन आर आगे आ जाएगा, एपडेस एप्साइलन आर आगे आ गया और 1/4 pi एप्साइलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। शायद इस चीज को तुम कुछ मान रखे हो पहले से, क्या मान रखे हो, देखो तो इस चीज का यही चीज है ना, क्या वैल्यू है इसका, F यानी डायलैक्ट्रिक यानी मीडियम डालने से पहले जो उनके बीच कूलम्बिक फोर्स लग रहा है वो यही ना है F। देखो तो F डैश का वैल्यू क्या आ गया, F डैश बराबर इस पूरे को तो हम F लिख सकते हैं कि नहीं, तो F डैश बराबर क्या आ गया, F अपॉन ER। ER क्या था, उस मीडियम का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, यस और नो। तो यहां से तुम्हारा क्या समझ में आ रहा है, एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, कि यदि कोई दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जो पहले है वैक्यूम में जो है, और जब उसमें कोई मीडियम आ जाए, कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम आ जाए, तो क्या फोर्स वही लगेगा जो पहले लग रहा है कि चेंज होगा, चेंज होगा, और कितना चेंज होगा हम इस फॉर्मूला से देख सकते हैं कि नहीं लग सकते। तो देखो कितना पहले फोर्स लग रहा था, इस सवाल में कितना फोर्स पहले लग रहा था, जब वैक्यूम था तो 100, तो यहां एफ की जगह पे हम क्या डाले, 100 डाले, और कितना डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है इस डायलैक्ट्रिक मीडियम का, तो यहां पे ER डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ही है ना, क्या हो गया 5, कितना हो गया 20, यानी लगने वाला फोर्स कितना होगा 20। एग्जाम में हमको बनाने में कितना समय लेगा, 2 से 3 से पहले हमको क्या फॉर्मूला याद रखना, एपडेस बराबर यानी डायलैक्ट्रिक मीडियम आने पर जो फोर्स होता है वो एपडेस लगता है, और जो बिना जो वैक्यूम में क्या लगता है F, तो एपडेस और F में क्या संबंध है, एपडेस बराबर F अपॉन डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहले 100 न्यूटन लग रहा था वैक्यूम में, अब 5 डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम इंसर्ट हो गया तो 100/5 यानी अब कितना लगेगा 20 न्यूटन। यस और नो। नेक्स्ट, जब हम यहां पे डायलैक्ट्रिक मीडियम का कॉन्सेप्ट डील किए ही है तो कुछ बातें हम यहां पर आपको और दे देना चाहेंगे। पहला कि डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वैक्यूम 1, वैक्यूम का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अगर पूछा जाए तो क्या बोला जाएगा 1, कैसे, बहुत सिंपल, अगर तुम अपने वैक्यूम को ही मीडियम मान रहे हो, वैक्यूम को ही मीडियम मान रहे हो, तुम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला पढ़े हो, यही ना डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है यार, मीडियम का विद्युतशीलता बटा निर्वात का विद्युतशीलता, परमिटिविटी इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, तो अगर तुम्हारा मीडियम ही वैक्यूम है, मीडियम तुम किसको मान रहे हो, वैक्यूम को, तो यहां ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट है नीचे भी एप्सिलॉन नॉट, कट के क्या हो जाएगा, तो अगर तुम अपना वैक्यूम को ही मीडियम मान लोगे तो वैक्यूम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना निकल गया है 1, तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम कितना होता है 1। आपसे कोई पूछेगा कि वैक्यूम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, निर्वात का पैरो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, निर्वात का पैरा वैद्युतांक कितना होता है 1। ऐसे डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम किसी भी मीडियम का, चाहे वो पानी हो, ग्लास हो, कोई मीडियम हो, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम, जिससे डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को हम ईयर बोलते हैं ना, वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ये रिजल्ट हम कैसे पहुंच रहे हैं, आपको डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का भी हम मतलब समझाएं, यही ना डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट अनुपात है जी, किस चीज का अनुपात है,
तो माध्यम का विद्युतशीलता बटा निर्वात का विद्युतशीलता। तो याद रखना, किसी भी माध्यम का विद्युतशीलता, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी कभी भी वैक्यूम के परमिटिविटी से ज्यादा नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा परमिटिविटी किसका होता है? वैक्यूम का। किसका? वैक्यूम का। सबसे ज्यादा विद्युतशीलता किसका होता है? निर्वात का होता है। तो तुम ही बताओ, अगर सबसे ज्यादा यही वैल्यू होगा, ऊपर जो भी वैल्यू आएगा वो इससे अगर छोटा ही होगा, हमेशा नीचे वाला अगर बड़ा होगा, यस और नो? उस हिसाब से तो रेशियो वन से छोटा जाना चाहिए ना। हम क्या बता रहे हैं? रेशियो वन से बड़ा। तो ये इसका मीनिंग निकलेगा, सुनो, कि किसी भी माध्यम का विद्युतशीलता निर्वात के विद्युतशीलता से क्या हो? बड़ा हो। निर्वात की विद्युतशीलता से बड़ा हो, तभी ना ये रेशियो, इसी रेशियो को ना तुम डायरेक्टली कॉन्स्टेंट कर रहे हो, और ये रेशियो हमेशा क्या आ रहा है? वन से बड़ा। तो ये चीज वन से बड़ा हमेशा कब आएगा? जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या हो? बड़ा हो। कोई रेशियो वन से बड़ा कब होता है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। यानी हमेशा कोई भी माध्यम अगर हम ले लें तो उसकी विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता से बड़ी पाई जाती है, इसीलिए यह अनुपात एक से बड़ा मिलता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि किसका विद्युतशीलता सबसे मिनिमम होता है, निम्नतम होता है, तो निर्वात। ठीक है, उसके तुलना में कोई भी माध्यम की अगर हम बात करें तो उसका विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता से बड़ा पाया गया, तभी तो ये रेशियो वन से बढ़ाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट और एक, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ कंडक्टर या मेटल वो इंफिनिटी होता है। क्या होता है छोटू? इंफिनिटी। अगर तुम्हारा दोनों चार्ज के बीच का जगह एक मेटल ले ले, धातु ले ले, जो कि चालक होता है, कंडक्टर, तो उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होता है? इन्फिनाइट माना गया। क्या माना गया है? इन्फिनाइट। तो जरा इस फॉर्मूला से जरा सोचो, तो इस फॉर्मूला से अगर सोचो ये कितना अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहा है कि यदि कोई दो आवेश के बीच पहले वैक्यूम था, निर्वात था, और उस निर्वात के स्थान पर अगर कोई धातु आ गया, कोई चालक आ गया, तो कूलम्बिक फोर्स कितना हो जाएगा? तो तुम यहां यही फॉर्मूला ना पढ़े हो कि किसी मीडियम के आ जाने से जो कूलम्बिक फोर्स हो जाता है वो एफडेस हो जाता है, और निर्वात में कितना होता है? एफ। तो एफडेस बराबर क्या होता है? एफडेस बराबर एफ बटा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो यहां पर मीडियम के रूप में कौन आ रहा है? धातु, चालक, मेटल कंडक्टर, जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? अनंत। तो अगर यहां अनंत डालेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। क्या आ जाएगा? यानी दो चार्ज के डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट को हमने डील करने का कोशिश किया है। इज इट क्लियर? ठीक, आगे बढ़े। इधर क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री, ये आज आपका HW। ठीक है, कल मैं जब क्लास वापस स्टार्ट करूंगा तो इस क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री को डिस्कस करके आने वाले टॉपिक्स जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, डाइपोल है, ये सब स्टार्ट। ठीक है, तो देर चाहिए।